तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक कंटिन्यूइंग गेम प्ले सीरीज GTA Vice City में। तो लास्ट वाला एपिसोड में आपको याद होगा हमने दुनिया भर की प्रॉपर्टीज खरीद ली, जितने भी प्रॉपर्टीज GTA Vice City में अवेलेबल थी हमने सारी खरीद ली भाई। और मतलब यूँ समझ लो हम GTA Vice City के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो गए, और यूँ समझ लो मालिक भी हम ही हैं भाई GTA Vice City के। एक तरह से भाई सबसे बड़ा गुंडा मैं ही रह गया हूँ। एक सोनी है भाई, सोनी से अभी हम बात करने जाएंगे, और भाई अपने साथ लेंस वेंस तो है ही। तो भाई यूँ समझ लो हमारी गैंग सबसे बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे भाई आर्मर मैंने ले लिया है, और बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ भाई, वहीं पे रहता हूँ मैं अब ज़्यादातर। उस समय ना वहाँ पे अपनी सिटी जो है अपने मतलब वो क्या नाम है उसका, लिटिल हवाना में रहता हूँ मैं ज़्यादातर, अपना समय वहीं बिताता था। लेकिन आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि भाई लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा हमने भाई यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जितनी भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स थे, होम्स थे, जितने भी मैं रेंट पे ले सकता था या बिल्कुल ख़रीद सकता था मैंने सारे ले लिए। तो भाई यहाँ पे भाई कोई ऐसी प्रॉपर्टी बचती नहीं जो मेरे को ख़रीदने लायक रहती है, और यहाँ पे मतलब जितने भी एसेट्स मेरे को आ सकते थे सबसे मैंने एसेट ले लिया है। तो भाई आज के एपिसोड में भाई हम अपना दो एपिसोड पुराना काम अपना निपटाएंगे। दो एपिसोड पहले क्या हुआ था कि भाई हमने ना भाई सोनी के आदमियों को मार दिया था। दरअसल क्या हुआ था, हमारा जो बुड्ढा है मतलब प्रिंट वर्क्स का पुराना जो मालिक है उसको कोई सूद के चला गया था। तो हमने भाई पूछा किसने मारा, कह रहा था भाई सोनी सोनी करके कोई आया है। तो मैंने पूछा सोनी फोरेली, वो कह रहा हाँ भाई सोनी फोरेली करके लोग आए थे, उन्होंने मेरे को पीटा भाई, माल लूट के चले गए। तो मैंने भाई यहाँ पे एकदम से अपनी गाड़ी निकाली, उन लोगों को पकड़ा भाई, पीटा। और भाई वो क्या कर रहे थे भाई, एक तो भाई उनने कई सारे आदमी छोड़ रखे थे, कुछ यहाँ पे टैक्सी फैक्ट्री में छोड़ रखे थे, कुछ बोट यार्ड में छोड़ रखे थे, कुछ क्लब मेलेबू में आए, सबको मैंने निपटाया भाई। मेरे को पता चला भाई सोनी जो है भाई गद्दारी करने लग रहा है भाई, हमारे जितने भी भाई यहाँ पे एसेट्स हैं उनसे भाई वो टैक्स लेने लग रहा है, मतलब एक तरह से हफ्ता वसूली करने लग रहा है भाई वो। तो भाई हमने फिर उसको भाई यहाँ पे मुझे लगा मैंने उसे निपटा दिया, लेकिन भाई वो मेरी गलत फहमी थी। उसके बाद फिर लेंस का फ़ोन आता है, लेंस कहता है भाई जल्दी अपने घर आ जा, मतलब टॉमीज वर्सिटीज मेंशन पे आ जा जल्दी से जल्दी, ये जो बगल में है तो यहाँ पे आ जा भाई, यहाँ पे बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट, तेरे से कुछ मसला हो गया। मैंने कहा आता हूँ, लेकिन भाई दो एपिसोड मैंने ऐसे ही काट दिए कि मैंने सोचा भाई दिमाग ठंडा हो जाएगा इसका, भाई थोड़ा बोल जाएगा फिर आएंगे इसके पास। तो भाई आज वो दिन आ चुका है फाइनली जब इससे बात करेंगे भाई, देखेंगे भाई असलियत में बात है क्या भाई। यहाँ पे सोनी मेरे से टैक्स क्यों वसूलने लग रहा है भाई, उसके पैसे चाहिए तो पैसे मांग लेता भाई, मैं पैसे दे देता, टैक्स क्यों वसूलने लग रहा है यहाँ पे भाई, गद्दारी सा करने लग रहा है। लेकिन भाई अगर एक तरह से देखा जाए वो भी भाई ठीक ही कर रहा है वैसे, लेकिन हम गुंडे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई मैंने अपना भाई ये रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, एक बार आपको गैरेज में दिखा दूँ गैरेज में क्या हालचाल हो रहे हैं मेरे। तो ये है भाई मेरा गैरेज, यहाँ पे खड़ी है मेरी एक लाइमोजीन मेरे गैरेज में खड़ी है। और यहाँ पे दुश्मन कहाँ से आ गए, रुक जा मेरे पे गन भी नहीं है यार, अबे भाई मेरे पे गन नहीं है यार, अभी गन लेने जाऊँ सबसे पहली बात, उसके बाद भाई दूसरी चीज़ें देखूंगा भाई। सबसे पहले भाई अपना चलता हूँ भाई वहाँ पे अपना क्या नाम है भाई लिटिल हवाना में मेरे को जाना पड़ेगा, लिटिल हवाना की भाई वहाँ की जो गन्स है भाई उनका कोई तोड़ नहीं है भाई। यहाँ पे मेरे पास पैसे भते रहे हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है मेरे पे वैसे भी, लेकिन भाई गन्स की दिक्कत है भाई, गन्स लेनी पड़ेगी। तो वहीं पे पहुँच के आपको मैं फ़ोन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई अपने टैक्सी फैक्ट्री में इसलिए भाई यहाँ से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर लो भाई, $5,000 कहीं मतलब थोड़े कम पड़ जाए भाई गन्स खरीदने के लिए, गन्स पूरी अपनी रखना चाहिए भाई हर समय। यहाँ पे भाई उनसे बात करने जा रहा हूँ, अगर बात बिगड़ गई भाई तो भाई अपना गन्स काम करेगी, तो इसलिए मैं गन्स खरीद रहा हूँ। यहाँ पे भाई अपने दोस्त के यहाँ चलता हूँ, उसका नाम मैं भूल गया भाई, क्या नाम था इसका, फिल्स के यहाँ मैं आ चुका हूँ भाई, फिल्स प्लेस जो कुछ कह लो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका भाई, गन्स कौन सी लेनी है सबसे पहले मैं काम करता हूँ भाई, बजूका की ज़रूरत नहीं है, ये गन कौन सी है इसे छोड़ो भाई, एक काम कर तो सबसे पहले अपना बॉम्ब ले लेता हूँ। बॉम्ब मैंने ले लिया भाई, इसको ले लूँ क्या या उसे ले लूँ, एक बार उसे चला के देख लेता हूँ, पैसे की वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे ये बंदूक भी ठीक है वैसे, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन भाई मेरे को ये भी चाहिए यार, लेकिन ये भी ले लेता हूँ, छोड़ो कोई नहीं अब इसे ही ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भाई एमओ और मिल जाएगी, एमओ भाई इसकी कंप्लीट है भाई, इतनी मिलेगी। तो यहाँ पे भाई मैंने अपनी बंदूकें ले ली खतरनाक वाली, अब मैं चलता हूँ भाई अपने एम्यूनेशन में भाई नॉर्मल सी बंदूकें मिल जाएंगी, अगर इनकी एमओ खत्म हो गई तो भाई वो काम करेंगे अपना। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका भाई अपने एम्यूनेशन में, एम्यूनेशन भाई यहाँ का एम्यूनेशन भाई बेस्ट है, जिसे कह देना बेस्ट वो है यहाँ पे भाई। यहाँ पे जो बंदूकें मिल जाएंगी भाई वो कहीं और नहीं मिलती भाई, यहीं पे सबसे पहले इसकी भाई पूरा अपना एमओ ले लेता हूँ, जितनी भी एमओ है मेरे पे। और इसके बाद ये अपनी एमपी ले लेता हूँ भाई, एमपी बढ़िया रहती है अपनी, इसकी 1000 गोली ले लेता हूँ भाई, इसकी ज़रूरत रहती है अपने को। और ये वाली बंदूक भी ठीक ही है, इसका भी काम चल जाता है अपना भाई। यहाँ पे अपना 150 तक ले लेता हूँ भाई, 150 पार हो गई कोई दिक्कत की बात नहीं। ये M4 ले लेता हूँ, M4 भी ठीक है, और स्नाइपर तो भाई बहुत ज़रूरत है। इसके बाद अपना आर्मर तो है ही भाई, अपना आर्मर ले
रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। यहाँ पे भाई अपने पूरे पैसे मैंने फूंक दिए भाई। यहाँ पे मैं लेके आया था भाई 1.5 लाख रुपए और 30,000 रुपए रह गए। सोचो भाई कितने पैसे मैंने बंदूकों में खर्च कर दिए, क्योंकि भाई ये मिशन भाई मेरा फाइनल मिशन हो सकता है GTA Vice City के जर्नी का, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज मैंने खरीद ली है, जितने भी मिशन हो सकते थे मैंने कर दिए। बस एक लास्ट मिशन रहता है भाई ये सोनी फरेली का आदमी का, मतलब जो भी मिशन है, और भाई लैंस वैंस से जो भी मेरे मतभेद हैं सारे मैं निपटा दूंगा भाई। आज मैं कोशिश करूंगा भाई अपना सारा भाई सॉर्ट आउट करके चलूंगा। सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो उन्हें सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अपना चलता हूँ भाई अपने वर्सिटीज मैंशन भाई। ये भूस गाड़ी यहाँ पे गुस्सा दिला देती है भूस। कोई दिक्कत की बात नहीं, अब मैं चलता हूँ अपने वर्सिटीज मैंशन, वहाँ पर पहुँच के आपको फ़ोन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका भाई वर्सिटीज मेंशन में भाई। ये हवलदार फिर से यहाँ पे आ गया भाई। इसे मैंने पिछले वाले मतलब थोड़ी देर पहले से जाने दिया था, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा भाई। इसके खोपड़ी उड़ा दूँ, खोपड़ी नहीं उड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। इसे मैंने उड़ा दिया वैसी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर भाई अपना रिवेन्यू कलेक्ट कर लो। और यहाँ पर मैं आ चुका भाई अपने वर्सिटीज मेंशन में भाई। अपनी बंदूकें तैयार रख लेता हूँ, ये वाली बंदूक सही है। और अपना चलता हूँ भाई, बात करता हूँ वैन से भाई क्या दिक्कत है उसे, किसने क्यों बुलाया मेरे को भाई, अपने घर में ही क्यों बुलाया भाई। अपने घर में बहुत दिन टाइम बाद आया हूँ, लेकिन अब जाके ही पता करेगा भाई क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर भाई मेरे साथ भाई कैन रोजनबर्ग भी है, और यहाँ पे लैंस भी बैठा हुआ है। और कैन रोजनबर्ग मेरे को बताने लग रहा है कि भाई यहाँ पे मैं मछलियों को पसंद करता हूँ, उन्हें खाने के तौर पे, उन्हें तैरते हुए देखने के तौर पे, लेकिन भाई उनके साथ मैं भाई रहना नहीं चाहता भाई। इटालियन ब्रदर्स जो तेरे हैं भाई वो हम पे जोर डाल रहे हैं भाई, हमें मारना चाहते हैं। और मैं इसे बोल रहा हूँ शट अप, नीचे बैठ जा। इसे मैंने डार्ट के नीचे बिठा दिया भाई। लेंस से मैं पूछ रहा हूँ, लेंस तू बता क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे लेंस मेरे को बताने लग रहा है जो तेरे दोस्त हैं भाई वो नॉर्थ में जो हैं उनसे भाई हमारी भाई मतभेद हो रही है भाई। यहाँ पे बिजनेस हमारा सही से नहीं हो पा रहा है। और भाई मैं इसे बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे भाई इस समय इस चीज़ को भाई बहुत लंबा समय हो चुका है भाई, इसे आज फाइनल करना पड़ेगा भाई। जितने भी मैं तुम्हें भाई क्लियर कर देता हूँ, ये जो ऑपरेशन है सारे मेरे ऑपरेशन है, तुम्हारा इसमें कोई दखल नहीं है, ना उनका इसमें कोई दखल नहीं है। इसमें भाई सारा कंट्रोल है वो मेरा है। और भाई वो जा तू कैन रोजनबर्ग, $20 million से ब्रीफ केस में भाई उसे लेके आ भाई। मैं बात करता हूँ भाई सोनी से, इनसे भाई फाइनल डील कर लेंगे अपनी भाई। जितने भी पैसे होंगे वैसे मैं नकली पैसे लेके आया हूँ, और यहाँ पे भाई पैसे लेके आ चुका हूँ मैं भाई। सोनी मेरे सामने ही मिल चुका है। सोनी मेरे को बोल रहा है भाई हग नहीं देगा मेरे को, मतलब गले नहीं मिलेगा क्या। तो यहाँ मैं से बोल रहा हूँ भाई 15 साल से मेरा कोई गले मिलने वाला है नहीं भाई, तेरे से कैसे मिलूंगा। ये बोल रहा है कि अच्छा गुस्से में है। मैं कह रहा हूँ हाँ मैं गुस्से में हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे तेरे पैसे हैं भाई, अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। ये मेरे को बताने लग रहा है अच्छा तीन तो नहीं भाई 10-11 million है मेरे को वो दे। मैं कह रहा हूँ भाई सुन यहाँ पे जितने मैंने पैसे लिए थे उतने तेरे को दूंगा मैं। और यहाँ पे भाई सोनी मेरे को बताने लग रहा है कि भाई यहाँ पे तू इतना शेर ना बन, यहाँ पे भाई तू मेरे को नकली पैसे देगा। तो यहाँ पे भाई गद्दारी हो चुकी है। ओके ओके मेरे को समझ में आ गया भाई, ये विजिलेंस वैन से इसने बता रखा है भाई यहाँ पे मेरा ऑपरेशन जो भी है। ओके भाई लेंस इनसे मिल रखा है भाई। ये भाई सोनी मेरे को बताने लग रहा है कि भाई लेंस मेरे साथ है भाई। यहाँ पे जितने भी तेरे ऑर्गेनाइजेशंस थे सब में भाई जितना भी दखल था सबके ऊपर मेरी नज़र थी। और यहाँ पे भाई जो तू तो नकली पैसे देने लग रहा है ना, इसका भी मेरे को पता चल गया था भाई। जैसे ही तू तो निकलने लग रहा था यहाँ से वैंस ने मेरे को बता दिया। तो यहाँ पे भाई वैंस मेरे को बताने लग रहा है कि भाई मैंने तेरे को भेज दिया। मैं कह रहा हूँ क्या कर रहा है तू ये, वो कह रहा है कि भाई यही बात है भाई, ऐसे ही करना पड़ता है, बिजनेस है भाई ये। तो यहाँ पे भाई इसने मेरे साथ गद्दारी कर दी है भाई। और ये मेरे को बताने लग रहा है सोनी की भाई फेक कैश यहाँ पे रखा है, रियल कैश ऊपर रखा हुआ है, उसे लेके आओ। मैं इसे बोल रहा हूँ भाई तूने मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे भाई घमासान युद्ध मुझे लग रहा है होने लग रहा है भाई। यहाँ पे भाई भाई सोनी ने मेरे साथ भाई गद्दारी कर दी भाई। सोनी के साथ साथ भाई वैंस ने मेरे साथ गद्दारी कर दी, लेंस वैंस ने भाई। इस बात का तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता यार। यहाँ पे भाई ये आने लग रहा है, आने तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं अपनी बढ़िया सी बंदूक निकालूँ, ये बंदूक निकालता हूँ, आने दे आने दे। शेरपुत यहाँ पे भाई शेरपुत हैं, इन्हें बताऊँ मैं, रुक जा रुक जा रुक जा। तो भाई ये बढ़िया सी बंदूक से मैंने इन्हें निपटा दिया भाई, इनके भी सौभाग्य है भाई। ओ भाई यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है शेरपुत, यहाँ से मारने लग रहा था मेरे को। और आओ भाई यहाँ पे, पता है क्या करने लग रहे हैं यहाँ पे, जितने भी मेरे पीछे कैश रखे भाई यहाँ से आने लग रहा है, कोई नहीं ऐसे आने। तो यहाँ पे जितने भी मेरे कैश है ये सब तिजोरी से निकालने लग रहा है भाई। यहाँ पे भाई लोग आएंगे भाई मेरे को लूटने के लिए भाई, सामने आ गए भाई। ओ भाई साहब भाई ये मैटर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, इन्हें सबको बिछा दूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। गोली लग गई मेरे को, लेकिन भाई मेरे को इनको निपटाना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनको निपटाए बिना भाई सामने आ जाना, तो कहाँ छुप के बैठा है पीछे। तो यहाँ पे भाई इनके गार्ड्स को तो मैंने निपटा दिया, लेकिन भाई अभी खत्म नहीं हुए, इनको सबको निपटाना पड़ेगा। वैंस ने मेरे साथ
खुददारी कर दी भाई। कैन रोजनबर्ग नहीं बता सकता था क्या मेरे को भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? कैन रोजनबर्ग भाई यहाँ पे भाई मुझे लग रहा है वो भी गद्दार हो निकल चुका है यहाँ पे भाई। ओके भाई यहाँ पे सामने वैंस आ चुका है, वैंस कह रहा है कि भाई यहीं पे भाई तू है, तुझे को निपटा दूंगा मैं, समय कह रहा हूँ रुक जा, तू ही है भाई वो बैक स्टैबर जिसने भाई पीठ पे छोरा पीठ पे छुरा घोपा। और यहाँ पे भाई मैं क्या ही, मैं इसकी बेइज्जती क्या ही कर सकता हूँ। यहाँ पे भागने लग रहा है भाई, रुक जा तेरे को बताओ मैं भाग गया भाई यहाँ पे। ये सोनी बोल रहा हूँ मैं, वैंस यहाँ पे भाग गया। इसके गार्ड्स भाई रुक नहीं रहे भाई, गार्ड्स भाई मेरे को उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसको मारना है भाई मेरे को, और कोई चारा नहीं है। रुक जा भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं है भाई, रुक जाना, तू यहाँ पे मर क्यों नहीं रहा, मर जा भाई यहाँ पे। ओ भाई वो रहा सोनी, वो रहा, रुक जा सोनी भाग मत तू, सोनी तू तो गया आज तू भागे बिना बच नहीं सकता। यहाँ पे भाई इसे मारने की पूरी कोशिश करी मैंने लेकिन फिर भी भाग गया ये, अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, इसे मारना पड़ेगा भाई मेरे को। और यहाँ पे भाई ओ भाई इन्हें गोली भी चला दी भाई, काम कर दो भाई आर्मर लेके आ दो अपना नीचे से भाई, आर्मर जरूरी पड़ चुका है अभी मेरे लिए, क्योंकि भाई हेल्थ मेरी देखो भाई इतनी कम तो नहीं है लेकिन फिर भी भाई बहुत कम है ये, क्योंकि भाई मेरे को भाई पूरी गैंग से लड़ना है भाई। सोनी आप जान सकते हो कितना खतरनाक आदमी है, मतलब यूँ समझ लो भाई सारी प्लानिंग प्लॉटिंग GTA Vice City में मेरे आने तक, यहाँ पे पैसे कमाने तक सारी सोनी की प्लानिंग थी भाई। और यहाँ पे भाई लैंस वैंस इसका साथ दे रहा था, मेरा दोस्त बन के भाई। और यहाँ पे भाई पीछे भी ओके पीछे है वो भाई, उसको निपटाऊँ सबसे पहले भाई, यहाँ पे कवर ले लूँ और पीछे ड्रम को फोड़ दूँ भाई, इसको मैंने निपटा दिया। और यहाँ पे कोई और तो नहीं रह गया भाई, यहाँ पे सोनी रह गया सिर्फ भाई, सोनी भाई तेरे को निपटाना पड़ेगा। सोनी रुक जा बेटे, तेरे को 1v1 में निपटाऊँ मैं। और यहाँ पे भाई अंतिम यहाँ पे दशा हो चुकी है भाई, सोनी को निपटा दिया मैंने भाई, अब नीचे जाना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पे मैं से बोल चुका हूँ भाई, गलत आदमी से तूने पंगा ले लिया भाई, सोनी को मैंने निपटा दिया, सोनी बोल रहा हूँ मैं, लैंस वैंस को निपटा दिया भाई। इतनी कन्फ्यूजन भाई, दिमाग में पैनिक भर चुका है मेरे, अब मैं भाई सबसे पहले अपना भाई आर्मर ले लूँ, उनके बाद इनसे निपटूँ भाई। नीचे आप मेरे भाई उसमें वो देखो, मेरे पैसे देखो भाई, पैसे एकदम से कम होने लग रहे हैं। पैसे कम क्यों हो रहे हैं भाई? वो वहाँ पे डकैत आ गए भाई, डकैत मेरा पैसा चुराने लग रहे हैं भाई। अब मैं नीचे से आ गया भाई, नीचे से आना मुझे लग रहा है खतरे से खाली है नहीं, यहाँ पे इसको निपटाऊँ सबसे पहले। यहाँ पे पता नहीं घूमने लग रहा है क्या कर रहा है। और यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे आ चुके हैं भाई, इनको निपटाऊँ मैं भाई, यहाँ पे मेरे पे गोली ना चला दे बस। और यहाँ पे कई सारे लोग आ चुके हैं भाई, इनसे सबसे पहले अपना पैसा कलेक्ट करूँ भाई। सोनी नीचे है भाई, उसके साथ दो गार्ड्स है भाई। अब भाई 1v1 हो चुका है भाई मामला। और यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, से 15 साल से मैं तेरे साथ परेशान था भाई, तूने भाई यहाँ पे मेरे को लिबर्टी सिटी भेजा, उसके बाद वाइस सिटी भेजा, यहाँ पे पैसे कमाया सारी मेरी मेहनत, और तू आके भाई डाका डालना चाहता है, ऐसे नहीं होने दूंगा। यहाँ पे भाई मेरे दोस्त इसने छीन लिया भाई, सबसे पहले इसके गार्ड्स को निपटाऊँ, उसके बाद चैन से भाई सोनी को निपटाऊंगा भाई। सोनी ने डाइव लगा दी कोने पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से जाके इसको निपटाएंगे भाई। सोनी रुक जा, तो यहाँ पे भाई सोनी को निपटाऊं मैं, सोनी को बिछा दूं नीचे, रुक जा सोनी तू नहीं बचेगा मेरे से। यहाँ पे मैंने सोनी को निपटा दिया भाई, कौन से गार्ड से रहेगा इसके, अबे तुम गार्ड्स को तो निपटा दिया मैंने। तो यहाँ पे भाई मैंने फाइनली सब लोगों को निपटा दिया, अपने जितने भी मतलब बंधु थे मेरे, दोस्त थे भाई, लैंस वैंस जिसने मेरी जान बचाई उसे मैंने दोस्त समझा भाई, काला होकर उसको दोस्त समझ लिया मैंने भाई। यहाँ पे कैन रोजनबर्ग इस पे भी गोली मैंने तान दी भाई, कैन रोजनबर्ग भागने लग रहा था, ये बोल रहा है भाई क्या हुआ यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है भाग गया था यहाँ पे, जैसे ही गोली चली यहाँ से भाग गया था, छुप गया था, और बोल रहा भाई तुझे क्या हो गया, मैं बोल रहा हूँ तुझे क्या लग रहा है, वो कह रहा है कि भाई तेरे कपड़े खराब हो गए हैं, और भाई तेरा ब्यूटीफुल सूट था वो कहाँ गया, मैं बोल रहा हूँ वो तो भाई खराब हो गया। अब यहाँ पे ये मेरे को बताने लग रहा है कि भाई एक काम कर भाई, यहाँ पे जितना भी कब्जा है वो सब कर ले, काम कर पूरे GTA Vice City में कब्जा कर ले। मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई हमारा कोई एनिमी नहीं रह गया, तो इसका मतलब ये हुआ पूरा GTA Vice City हमारा हो चुका है अभी, ना हमारा यहाँ पे कोई एनिमी है, ना हमारा यहाँ पे कोई खास मित्र है भाई, यहाँ पे मतलब एक तरह से हम यहाँ पे अकेले मालिक हैं। Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? तो इसी के साथ हमारी GTA Vice City की जर्नी यहाँ पे होती है कंप्लीट भाई। GTA Vice City के सारे मिशन मैंने कंप्लीट कर दिए, जितने भी एसेट्स थे सारे मैंने खरीद लिए भाई, यहाँ पे जितने भी गाड़ी थी वो सारी मैंने प्रोक्योर कर ली भाई, कुछ नहीं बचा यहाँ पे GTA Vice City में हमारे लिए। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ होती है कंप्लीट। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे रखते हैं, ऐसे ही अमेजिंग और 250 एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए, बने रहिए मुमुक्षु के साथ। धन्यवाद।